Hi everyone, my name is Gupta. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग इन जावा क्लियर प्रीवियस वीडियो में हमने उप्स चैप्टर कवर किया था क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वोलिमरफ्रिज इनकेशन ठीक है एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस विथ एग्जाम्पल वी हैव कवर अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो देख लो क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्प उप्स की कॉन्सेप्ट तो पूछा ही जाता है ठीक है चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग देखो स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर हम लोग स्ट्रिंग भी कवर करेंगे स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग टोकनाइजर स्ट्रिंग मेथड्स ठीक है एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच इज बेसिकली फ्रॉम द स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग क्लास से जो पूछा जाता है ठीक है ना ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चलिए हम बात करते हैं स्ट्रिंग होता है क्या है इसके अंदर तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है स्ट्रिंग क्या है यहाँ पेरेक्टर्स इन जावा इज अ पार्ट ऑफ द जावा डॉट लैंग पैकेज तो ये किस पैकेज से बिलोंग करता है जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज से ठीक है एंड वर्डली यूज इन द जावा प्रोग्रामिंग फोर हैंडलिंग द टेक्सटल डेटा In Java are का मतलब ये होता है अगर जहां आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जावा के अंदर तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते वेन देखो अगर जहाँ करते तो क्या आता है When you a string, a new, new is आप इस तरीके से भी बोल सकते हो देखो मैंने सेकेंड लिखा है इन अदर वर्ड ऐसे बोल सकते हो अस्ट्रिंग स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अवेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा A string is represented by a string class, which is located into the java.lang package. A string objects are immutable. Immutable that means once a string object is created, it cannot be changed. Clear upon. अगर जहां चेंज करोगे तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा क्लियर पॉइंट और एक चीज याद रखना जो स्ट्रिंग क्लास uh, है जावा क्या मतलब होता है समझ गया चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब देखो इसको क्रिएट करने का दो तरीका है देर आर टू वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग ठीक है एक है यूजिंग लिटरल अब देखो स्ट्रिंग लिटरल से क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा भी है स्ट्रिंग लिटरल इज अ सिंपल स्ट्रिंग लिटरलोज इन डबल कोट जैसे डबल कोट में होता है स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है ठीक है स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लियर है पॉइंट वो क्या ट्रीट ऐसे क्या बेसिकली uh, क्या uh, बोलोगे आप उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लियर है

कि अगर जहां हम लोग यूजिंग लिटरल स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग का तो ये वैल्यू कहां कहां पे स्टोर होता है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो मैं इसको आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल और ये है यूजिंग न्यू कीवर्ड ठीक है देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू दीपक तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एस वन ये ऑब्जेक्ट है आपका दीपक ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड किया जाता है स्ट्रिंग एस टू अंकिता एंड स्ट्रिंग एस थ्री इक्वल टू दीपक तो ये देखो हमने थ्री वेरिएबल लिया एस वन एस टू एस थ्री थ्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेसिकली अब इसकी वैल्यू हम लोग ये बेसिकली ये कहलाता है ये वाली जो हमने यहाँ पे बॉक्स लिया है इसको बोलते हैं एस एरिया एस इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं एस सी पी सेकेंड एस सी पी मतलब होता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल एरिया ठीक है पुल मेमोरी बोल सकते हो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल डब्ल्यू एल पुल मेमोरी ठीक है अब ये जो हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना इसकी डेटा स्टोर होता है आपका मेमोरी में याद ठीक है तो यहां पे जैसे मैंने ना ये प्रीवियस कंटेंट चेक करेगा कि प्रीवियस कोई ऑब्जेक्ट है दीपक के नाम से अगर जहां नहीं है तो फिर इसको ये स्टोर कर देगा फिर ये सेकेंड वेरिए वो क्रिएट किया फिर ये स्टोर करने से पहले ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि अंकिता नाम से कोई ऑब्जेक्ट प्रीवियस इसमें स्टोर है एससीपी मेमोरी अगर जहां नहीं है तो फिर से ये स्टोर कर देगा फिर एस थ्री में मैंने दीपक लिखा ऑब्जेक्ट फिर ये एस थ्री को स्टोर करने से पहले ये दिखेगा चेक करेगा एस मेमोरी में कि दीपक नाम से कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कोई स्टोर है तो ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा दोबारा स्टोर नहीं करेगा तो ये रिफ्रेंस वेरिएबल उसी को रिटर्न कर देगा पॉइंट उसी को कर देगा ठीक है ना तो मतलब डुप्लीकेट कंटेंट्स या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड है ऐसे बोल सकते हो ठीक है ना एससीपी मेमोरी अब दूसरा यूजिंग न्यू कीवर्ड तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दीपक uh, पास किया ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट किया है विथ न्यू ऑपरेटर है ना अब यहाँ पे क्या होगा ये डायरेक्टली आपका वैल्यू स्टोर करते जाएगा तो ये कौन सी एरिया में स्टोर करता है इसको बोलते हैं हीप न्यू कीवर्ड से ना हीप मेमोरी हीप मेमोरी ठीक है ये चीजें समझ जाना तो बेसिकली न्यू की वर्ड से जो आपका ऑब्जेक्ट uh, क्रिएट होता है ना स्ट्रिंग के अंदर तो उसकी वैल्यू स्टोर होता है आपका कहाँ पे वो होता है हीप मेमोरी में और विदाउट न्यू कीवर्ड से उस ऑब्जेक्ट स्टोर होता है आपका एस मेमोरी में ठीक है ये मैंने लिखा है यहाँ पे ये क्या करेगा भाई ये चेक नहीं करेगा ये डुप्लीकेट कंटेंट स्टोर कर लेगा तो एस वन को भी एस टू एस थ्री को स्टोर कर लेगा ठीक है तो ये पॉइंट हमने दो पॉइंट लिखा है देखो यहाँ पे तो नॉट अलाउड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तो डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता है सीपी मेमोरी में अब इसमें क्या होता है अलाउड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये ये कंटेंट 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 देखता है है ना मतलब ये content जो प्रीवियस नहीं सेम है सेम है. है तो वो डुप्लीकेट कंटेंट को स्टोर नहीं करेगा ऐसे भी बोल सकते हो है ना तो डुप्लीकेट यहाँ पे कंटेंट कंपेरिजन देखता है और ये देखता है रिफरेंस कंपेरिजन ठीक है क्लियर अइंट यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल और यूजिंग न्यू की वर्ड आप आई होप आपको क्लियर होगा कि इसकी ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कहाँ पे स्टोर होता है ठीक है अब मैं थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपका जो यहाँ पे मेमोरी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल्स में पेंट ओपन कर लेता हूँ फिर से चलिए देखिए अब ये जो है मैंने यहाँ पे एक ले लिया ये अब इसके अंदर मैंने एक और यहाँ पे ठीक है तो ये जो आपका है ना इसको बोलते हैं हम लोग ये आपका जो है ये है हिप मेमरीप मेमरी और इसको बोलते हैं हम लोग ये जो आपका है एक काम करो इसको बाहर करता हूं एक सेकेंड ये यहां पे लिख देता हूं आई होप आप समझ जाओगे इसको बोलते हैं हिप मेमरी ठीक है और इसके अंदर जो एक और यहां पे हुआ है इसको बोलते हैं एस सी पी एस सी पी मेमरी एसपी मेमोरी, ठीक है क्लियर पॉइंट तो ये दो होता है याद रखना ठीक है चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं अब ये जो है ना अब जो हमने यहाँ पे बेसिकली कोई भी न्यू कीवर्ड से अगर जहाँ आपका स्टोर होता है न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो वो हिप मेमरी के अंदर स्टोर होता है ठीक है ना ये हिप एरिया के अंदर और हिप एरिया के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट स्टोर होता है ना उसका एक कॉपी स्टोर हो जाता है आपका एस सी पी मेमरी में याद रखना तो इसका एक कॉपी यहाँ पे स्टोर हो जाता है तो आप चेक कैसे करोगे हम एग्जाम्पल बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग विडियोज में इंटर्न मेथड यूज किया जाता है चेक करने के लिए क्या अगर जो हम यहाँ पे न्यू की से जैसे हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया ये देखो न्यू ऑपरेटर से न्यू की से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसकी वैल्यू आपका हिप मेमोरी में स्टोर होता है और हिप मेमोरी में इसका जब स्टोर हुआ तो इसकी एक कॉपी बन जाता है और इसका कॉपी स्टोर हो जाता है ये मेमोरी जब ये न्यू की से क्रिएट होता है और विदाउट न्यू कीवर्ड से तो उसका एक ही बनता है एक ही ऑब्जेक्ट वो होता है सीपी मेमोरी ठीक है क्लियर है तो ये चीजें होता है ये याद रखिएगा ठीक है वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल लेटर चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल ठीक है आई होप क्लियर आप लोग को समझ आ गया होगा ठीक है तो हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ एक यहां पे सेव कर लेता हूं फाइल एस टी आर डॉट जावा के नाम से ठीक है अब मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया क्लास का नेम दे देता हूँ स्ट्रिंग डेमो स्ट्रिंग डेमो नाम का क्लास और यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैंने यहाँ पे रिखा दीपक तो ये हुआ आपका क्या विदाउट न्यू की वर्ड दैट इज आप बोल सकते हो स्ट्रिंग लिटरल ठीक है और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ डॉट प्रिंट एल एन मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया एस वन को अब एक चीज याद रखना अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था जो स्ट्रिंग क्लास है ना जावा के अंदर वो फाइनल क्लास है और और क्या है इमोटेबल क्लास है मतलब कि अगर जहां आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर जहां चेंज करते हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना चलिए हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं एस वन डॉट कॉन्केट मैथड यूज होता है आपका मोडिफिकेशन के लिए ठीक है स्ट्रिंग के अंदर तो हमने यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट मेथड को यूज कर लिया और यहाँ पे लिख देता हूं मैं गुप्ता मैं गुप्ता ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मोडिफाइड एंड मैंने यहाँ पे इसको copy किया और प्रिंट करा दिया यहाँ ठीक है चलिए देखते हैं कि ये आपका मॉडिफाई होता है कि नहीं ठीक है स्ट्रिंग कहता है मॉडिफाई नहीं हो सकता है चलिए हम चला के देखते हैं बार तो हम सी डेस्कटॉप पे चले जाते हैं सबसे पहले एंड देन डेस्कटॉप पे भी फोल्डर है फोल्डर में जावा सी फाइल का नेम है एस टी आर डॉट जावाइल्स फाइन एंड रन भी हो गया आपका तो हमने जावा सी नहीं लगाया था ना इस वजह से डायरेक्ट हो गया आपका ऐसे भी कर सकते हो तो आप चलो जावा सी कंपाइल फैले एंड देन क्लास का नेम डायरेक्ट करोगे तो वैसे भी हो जाएगा स्ट्रिंग डेवो चलिए देखो यहाँ पे ये यह मॉडिफाई नहीं हुआ आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपका दीपक ही प्रिंट हुआ और यहाँ पे भी आपका दीपक ही प्रिंट हुआ क्लियर है पॉइंट अगर मैं इसको चाहता हूं कि एस वन डॉट कॉन कैट ऐसा लिख देता हूं मैं ठीक है अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं गुप्ता अब मैंने यहाँ पे गुप्ता लिखा और मैं इसको प्रिंट करा देता हूं यहाँ पे चलिए फिर से प्रिंट करा देता हूं चलिए अब देखते हैं अब मैं चलाता हूँ ठीक है ध्यान देना अब मैं इसको एक बार कंपाइल कर लू कंपाइल फाइन क्लास का नाम दिस अब यहां पे देखो ये आपका मॉडिफाइड हो गया इसका मतलब ये न्यू ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हो गया ठीक है ना लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते करोगे तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यही चीज है तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये देखो yeah. hmm. ये वाले वेन वेन यू मोडिफाई स्ट्रिंग न्यू ऑब्जेक्ट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड क्लियर है पॉइंट कर दोगे मॉडिफाई ठीक है आई होप क्लियर है चलिए अब इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं ये है आपका यूजिंग 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 स्ट्रिंग लिटरल तो इसका एग्जांपल यहां पे पेस्ट कर दिया मैंने एंड देन आई आपका यूजिंग न्यू कीवर्ड ठीक है न्यू ऑपरेटर चलिए अब मैं यहाँ पे न्यू लगा देता हूं एंड देन स्ट्रिंग एंड देन यहां पे मैंने इसको इस तरीके से और प्रिंट करवा दिया अब देखो स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड से बेसिकली हमने न्यू ऑपरेटर से यूज किया है ना तो न्यू ऑपरेटर से यूज किया है तो आपको यूज करना है यहाँ पे एप मेथड मैथड ठीक है एंड यहाँ पे मैं इस जगह पे भी कर लेता हूं क्लियर अब इस केस में दीपक प्रिंट होगा और इस केस में भी दीपक होगा लेकिन इस केस में आपका दीपक गुप्ता आना चाहिए है ना क्लियर है चलिए स्पेस दे दो ताकि स्पेस आ जाएगा चलिए कंपाइल करते हैं फिर से कंपाइल्स फाइन कंपाइल्स नहीं हुआ क्योंकि एस वन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एस वन डॉट दिस तो हमने, हमने, हमने क्या यूज कर लिया Append मत, कौन कैट ही रहने तो कौन कैट ही रहने तो चलिए अब चलाते हैं देखते हैं क्या आता है हमारा कंपाइल्स फाइन ये देखो सेम आ रहा है आउटपुट जो पहले आ रहा था यहाँ पे क्लियर है पॉइंट ये आपका यूजिंग न्यू ऑपरेटर ठीक है तो स्ट्रिंग ही कहता है क्या कि अगर जहां आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में मॉडिफाई करोगे तो नहीं होगा मॉडिफाई करोगे तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो स्ट्रिंग क्लास इमोटेबल क्लास है जावा के अंदर विच मीन्स नॉट चेंजेबल ठीक है अब यही चीजें मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज को समझना इच टाइम वी क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल द जेबीएम चेक द स्ट्रिंग पुल फर्स्ट पहले स्ट्रिंग पुल चेक करेगा ठीक है ना डनिंग पुल हाँ, ठीक है इफ दिंग लिटरल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दूल अस टू दुल इंस्टेंस इज रिटर्न क्लियर है पॉइंट अगर जहां पहले से है तो उसी को रिटर्न करेगा यही चीजें समझाया मैंने इफ स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन दूल न्यू स्टिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड अगर जहां नहीं है तो फिर से वो क्रिएट कर देगा एंड इज प्लेस इन दुल ठीक है स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज स्टिंग इन साइड दिप मेमरी इन साइड दिप मेमरी क्लियर है पॉइंट यही चीजें तो समझाया यहाँ पे आपको देखो हिप मेमरी के अंदर ही आपका एस मेमोरी आता है और इसके अंदर जो बेसिकली जो स्टोर यहाँ हिप ही, मेमोरी के अंदर जो भी स्टोर होता है न्यू से उसका एक कॉपी पे स्टोर हो जाता है और विदाउट न्यू की से जो हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो स्टोर होता है आपका एससीपी मेमोरी ठीक है क्लियर है पॉइंट आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर है ठीक है विथ प्रैक्टिकल ठीक है हमने डिस्कस किया तो आज हमने क्या डिस्कस किया स्ट्रिंग क्या होता है ठीक है स्ट्रिंग अः हां स्ट्रिंग क्या होता है जवाब के अंदर ठीक है कितने भी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ठीक है विथ एग्जाम्पल हमने कवर किया और मेमोरी भी डिस्कस किया कि विथ न्यू की वर्ड अगर जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है अगर जहां विदाउट न्यू कीवर्ड हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है वी हैव डिस्कस विथ एग्जाम्पल ऑल्सो राइट डायग्राम भी डिस्कस किया आप लोग इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो ठीक है ना और बहुत सारे मेथड्स है अपकमिंग वीडियोस में हम मेथड यूज करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दी मेथड्स ऑल मेथड्स वी विल डिस्कस इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर है इसको नोट कर नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो ठीक है क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो यार ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय